28 तारीख को हरियाणा के प्रदेश मुखिया रोड शो करते हुए फरीदाबाद पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में पूरा जोश देखा जा सकता है। इसी के चलते पृथला विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी ठोकने वाले नयनपाल रावत ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनकी मीटिंग ली और 28 तारीख को भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का आह्वान किया। आपको बता दें, यह सिर्फ एक रोड शो ही नहीं, इसमें टिकट की दावेदारी का भविष्य भी तय होना निश्चित है, जिसके चलते पृथला विधानसभा के सभी दावेदार अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नयनपाल रावत ने 800 से 1000 कार्यकर्ताओं को बुलाकर 28 तारीख को समर्थन का सैलाब लाने का आह्वान किया है और समर्थकों द्वारा मिलने वाले अपार प्यार के लिए उनका आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं धीरज कौशिक, इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज पहुंचे हम फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में, जहां पे आगामी 28 तारीख को मुख्यमंत्री अपनी एक रैली करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का रोड शो है, उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पृथला विधानसभा के जन जन की आवाज़ नयनपाल रावत जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी तादाद में लोग ये जुटा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो रैली होगी ये टिकट के दावेदारी को मजबूत करने के लिए होगी। हमारे साथ मौजूद हैं नयनपाल रावत जी। नयनपाल रावत जी, इनसे जानेंगे आखिर क्या क्या तैयारियां इनकी हो चुकी हैं रैली को लेकर। नयनपाल जी, आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का जो आज सम्मेलन, कार्यकर्ता नहीं, ये पृथला क्षेत्र की क्रीम, जो पृथला क्षेत्र के मुख्य सरदार हैं, मुख्य व्यक्ति हैं, वो आज इस चंदावली ऑफिस पर जो 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा है, उसकी सफलता के लिए इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं? देखिए, यात्रा में मुद्दों की बात नहीं है। आज यहाँ किसने ताकत के साथ, कितनी अच्छी भीड़ के साथ पृथला क्षेत्र हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर सकता है, क्या क्या व्यवस्था उसकी हो सकती हैं, तो सभी साथियों में पूरा जोश है। बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारी बसें, बहुत सारी मोटरसाइकिलें, भारी तादाद में माताएं, बहनें और युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए 28 तारीख को 3 बजे देवांश गार्डन के पास कैली पुल के नज़दीक इकट्ठे होंगे और करीब 10,000 की संख्या में पृथला क्षेत्र के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा का स्वागत करेंगे। निमंत्रण के लिए लोग बुलाए गए हैं, जितने और नेताओं की रैलियों में इतनी भीड़ देखी जाती है, उतने आपके निमंत्रण के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो जो मुख्यमंत्री जी पहुँचने वाले हैं उनके स्वागत के लिए कितनी तादाद में लोग पहुँचेंगे? कौशिक साहब, मुझे मेरे क्षेत्र में 20 से 25 साल हो गए और मैं हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति से पर्सनल लिंक रखता हूँ, पर्सनल आना जाना है मेरा, व्यक्तिगत टर्म से मेरे व्यक्तिगत मेलजोल और व्यक्तिगत प्यार है। जो पीछे छोटी सी कमी रह गई थी मेरे चुनाव को जीतने में, उसकी कसक मेरी जनता को बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज के समय में पृथला की जनता पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी है। इसी का कारण है कि मैं कोई भी छोटा सा आयोजन करूं तो उसका बड़ा आयोजन अपने आप बना देती है मेरी जनता। सभी नेता अपने जन समर्थन को दिखाने में जुटे हुए हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी टिकट के लिए कोई संशोधन कर सकते हैं? देखिए, ये जो आयोजन हम कर रहे हैं इससे टिकट का कोई लेना देना नहीं है। टिकट के पार्टी से सर्वे होते हैं और आज अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो ये कि जितनी जनता मेरे पास यहाँ स्वागत में खड़ी होगी उतनी जनता आगे पूरे के पूरे जितने भी स्वागत करता हूँ उनके में मिलके भी नहीं होगी। दूसरी बात, टिकट का क्राइटेरिया हमारी पार्टी तय करती है, उनका अपना तजुर्बा है वो किस तरीके से टिकट देते हैं। सर्वे होते हैं, वो कार्यकर्ता को देखते हैं कि कौन से कार्यकर्ता के साथ जनता खड़ी है, क्षेत्र की जनता किस कार्यकर्ता के साथ है, तो उस लेवल पे पार्टी टिकट देती है। तो ये जो स्वागत है, ये तो हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करना है, प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी साथ में होंगे, तो हम उन सबका स्वागत करेंगे, तो स्वागत का टिकट से कोई लेना देना नहीं है। पिछला विधानसभा की जनता की एक ही आवाज है नयनपाल रावत, अगर नयनपाल रावत को टिकट नहीं मिलती है तो उनका आगामी कदम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे, मेरी पार्टी ने दो बार मेरे पे भरोसा जताकर
टिकट दिया है, और जो पिछली बार भी टिकट पार्टी ने दिया था तो वो भी जनता की डिमांड पे दिया था, और इस बार भी जनता की डिमांड है, और पार्टी ये जानती है कि पहले से कई गुना मेरी जनता मेरे लिए टिकट की डिमांड कर रही है, तो ये फैसला पार्टी को करना है। पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना किसको नहीं देना, और जब टिकटें बटेंगी तो जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ खड़े होंगे।